अगर आप क्लास टेंथ के स्टूडेंट हो, चैप्टर 5 नागरी लिपि से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव का आंसर जानना चाहते हैं, यानी आप तैयारी कर रहे हैं, गैस पेपर का तैयारी करते हैं, आप अपने मोबाइल पर तैयारी करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि है, आपके सामने चार ऑप्शन है। ए में है ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी है रोमन लिपि, ऑप्शन सी है देवनागरी लिपि, ऑप्शन डी है गुरुमुखी लिपि। ऑप्शन सी देवनागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं। चार ऑप्शन, 8वीं सदी, 6ठी सदी, 9वीं सदी, 4थी सदी। ऑप्शन ए 8वीं सदी। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं। चार ऑप्शन, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत। ऑप्शन सी दक्षिणी भारत। वेतमा दानपत्र किस समय का है। चार ऑप्शन, 1020 ईस्वी, 1021 ईस्वी, 1022 ईस्वी, 1023 ईस्वी। ऑप्शन ए 1020 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 5, विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है। चार ऑप्शन, ब्राह्मी लिपि, सिद्धम लिपि, नंदी नागरी लिपि, नागरी लिपि। ऑप्शन सी नंदी नागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 6, गुणाकर मूले की शिक्षा की भाषा क्या थी। चार ऑप्शन आपके सामने है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी। ऑप्शन डी मराठी। क्वेश्चन नंबर 7, नागरी लिपि किस विद्या की रचना है। ऑप्शन बी निबंध। ऑप्शन बी निबंध। क्वेश्चन नंबर 8, गुणाकर मूले का जन्म किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन सी महाराष्ट्र। नेपाली भाषा की लिपि है, नेपाली, खसकुरा, नेवारी, देवनागरी। ऑप्शन डी देवनागरी। गुप्तकाल से किस लिपि का संबंध है। चार ऑप्शन है, सिद्धम, ब्राह्मी, देवनागरी, गुजराती। ऑप्शन बी ब्राह्मी। हिंदी के आदि कवि कौन हैं। चार ऑप्शन, सरहपाद, तुलसी, वाल्मीकि, निराला। ऑप्शन ए सरहपाद। मूले जी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा को पढ़ाया। गुजराती, संस्कृत, मराठी, हिंदी। ऑप्शन सी मराठी। गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता होगा। पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, बिलासपुर, देवनगर। ऑप्शन डी देवनगर। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। चार ऑप्शन, ब्राह्मी, नंदी नागरी, देवनागरी, मराठी। ऑप्शन सी देवनागरी। गुणाकर मूले ने किस लिपि को प्राचीन नागरी लिपि की बहन की संज्ञा दी है। ए गुजराती, बी बांग्ला, सी तमिल, डी मलयालम। ऑप्शन बी बांग्ला। मराठी
भाषा की लिपि है? ए देवनागरी, बी मराठी, सी ब्राह्मी, डी कोई नहीं। ऑप्शन ए देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 17, नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? चार ऑप्शन, ब्राह्मी, खरोष्टी, देवनागरी, कोई नहीं। ऑप्शन सी देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 18, देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने? ऑप्शन ए 2 सदी। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? ऑप्शन डी नगर शैली। नागर शैली, ऑप्शन डी नागर शैली। क्वेश्चन नंबर 20, श्रवण बेलगोला जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? चार ऑप्शन, कर्नाटक, सिकंदराबाद, इलाहाबाद, वैशाली। श्रवण बेलगोला जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? कर्नाटक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? अनामिका की, गुणाकर मुले की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी गुणाकर मुले की। गुणाकर मुले का जन्म कब हुआ था? चार ऑप्शन, 1935, 1936, 1937, 1938। ऑप्शन ए 1935 ईस्वी में। नागरी लिपि पाठ गुणाकर मुले की किस रचना से लिया गया है? चार ऑप्शन आपके सामने, अक्षरों की कहानी से, भारतीय लिपियों की कहानी से, अक्षर कथा से, भारतीय विज्ञान की कहानी से। ऑप्शन बी भारतीय लिपियों की कहानी से। क्वेश्चन नंबर 24, नागरी नाम अस्तित्व में कब आया? चार ऑप्शन, ऑप्शन ए है 1000 ईस्वी के आसपास, ऑप्शन बी है 1500 ईस्वी के आसपास, ऑप्शन सी है 1600 ईस्वी के आसपास, ऑप्शन डी है 1700 ईस्वी के आसपास। ऑप्शन ए 1000 ईस्वी के आसपास। क्वेश्चन नंबर 25, गुणाकर मुले की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? नगरीय, ग्रामीण, उच्च स्तरीय, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी ग्रामीण। गुणाकर मुले की रचना है, चार ऑप्शन, ए में है बहादुर, बी में है विष के दांत, सी में है नागरी लिपि। ऑप्शन सी नागरी लिपि। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं? ऑप्शन ए गुणाकर मुले। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन बी भारतीय लिपियों की कहानी। भारतीय लिपियों की कहानी। क्वेश्चन नंबर 29, सिद्धम क्या है? चार ऑप्शन, मंत्र, सिद्धयोगी, साधु, एक प्रकार की लिपि। ऑप्शन डी एक प्रकार की लिपि। क्वेश्चन नंबर 30, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? प्रयाग को, काशी को, मथुरा को, उज्जैन को। ऑप्शन बी काशी को। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? चार ऑप्शन है, गुणाकर मुले की, नलिन विलोचन शर्मा की, महादेवी वर्मा की, सुमित्रा नंदन पंत की। ऑप्शन ए गुणाकर मुले की। अमोघ वर्ष कौन था? चार ऑप्शन, एक विद्वान, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, ऑप्शन सी एक राजकवि, ऑप्शन डी एक राज्यवेद। ऑप्शन बी प्रख्यात राजकूट राजा। प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। क्वेश्चन नंबर 33, मिहिर भोज ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? चार ऑप्शन, ऑप्शन ए प्राकृत में, ऑप्शन बी अपभ्रंश में, ऑप्शन सी संस्कृत में, ऑप्शन डी हिंदी में। ऑप्शन सी संस्कृत में।
क्वेश्चन नंबर 34, बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास, इलाहाबाद के पास, पुणे के पास, पटना के पास? इन ऑप्शन ए, इंदौर के पास। गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? चार ऑप्शन, 1500 से अधिक, 2500 से अधिक, 3500 से अधिक, 4500 से अधिक। ऑप्शन बी, 2500 से अधिक। इस्लामी शासक का आरंभ काल है? चार ऑप्शन, 12वीं सदी से, 13वीं सदी से, 14वीं सदी से, 15वीं सदी से। ऑप्शन ए, 12वीं सदी से। गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई? चार ऑप्शन, 1995 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में, 2009 ईस्वी में। ऑप्शन डी, 2009 ईस्वी में। गुणाकर मूले ने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? चार ऑप्शन आपके सामने, संस्कृति, अक्षर कथा, पुरालिपि शास्त्र, प्राचीन भारत का इतिहास। ऑप्शन बी, अक्षर कथा। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं? ऑप्शन ए, महेंद्रपाल, ऑप्शन बी, राजा भोज, ऑप्शन सी, राजा वरगुन, ऑप्शन डी, श्री गंग राजा। ऑप्शन सी, राजा वरगुन। तो इस प्रकार से आपने नागरी लिपि से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव का आंसर जाना। अगर आप लोग हिंदी के अगले चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव का आंसर जानना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो इस चैनल के लाल बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं।